आज तक कोई अपग्रेड अपग्रेड करके ऑल्टो से आप स्विफ्ट डिजायर में आ जाओगे मैक्सिमम उससे ज्यादा होगा कि आप करोला पे आ जाओगे उससे ज्यादा क्या होने वाला है। बस मैंने पहली बार कॉल किया हाँ। तो भैया उठाए, दूसरी बार कॉल किया फिर मैं उठाया, तो आपका आवाज आया, मेरे को लगा ये क्या हो रहा है भाई, नंबर वही है, आवाज बदल गया। फर्स्ट आई यू सेड यू बी, मैंने मेया को कॉल किया, मैंने कहा भाई तूने कौन सी गाड़ी बुक करी थी। अगर बंदा होगा तो कॉन्फिडेंटली बैठ जाएगा क्योंकि कहेगा भाई बड़ी सुंदर लड़की है, कहीं ले जाओ भाई। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आप में से बहुत सारे लोग मेरे काफ़ी दिनों से पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ अलग सी चीज़ करें। तो और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी थी वो था पब्लिक के साथ एक प्रैंक करना, जिसमें हमें BMW X7 को चलाना है पब्लिकली। तो गाड़ी को आज हम चलाने वाले हैं ऊबर में और देखेंगे लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं इस चीज़ के ऊपर। देखेंगे क्या करेंगे यार, कि BMW X7 आई है, गाड़ी कोई और बुक करी है और ड्राइवर कोई और उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्राइवर आया है ये, तो क्या उनके मिक्स रिएक्शन होते हैं? लोग बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं या डर जाएंगे कि पता नहीं कौन आ गया, किडनैप तो नहीं करके ले जाएंगे हमें? लेट्स सी क्या रिएक्शन होता है पब्लिक का, दिखाते हैं आपको, से शेयर करते हैं। एंड यस, माइंड ब्लोइंग होने वाला है वीडियो, जुड़ के रहिए, आइए मेरे साथ। चलिए अब हम सीख रहे हैं भैया से कि ये कैसे ऑपरेट करता है, इसमें क्या किया हमने सबसे पहले। ये ऑफ है, यहाँ यहाँ ड्यूटी ऑन हो जाती है। अच्छा ठीक है, अभी तो आ नहीं रही हमारे पास कोई। ये आ गई राइड, आ गई राइड, आ गई। ये क्या लिख रहा है नीचे? आज हम अपने ऊबर कस्टमर्स को बहुत अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे, भैया को भी हम साथ रखेंगे उनकी कैब के साथ, ताकि कोई कस्टमर घबराए नहीं, कम्फर्टेबली आए और अपनी राइड को इंजॉय करें, है ना। ये यू ब्लॉक क्या, सी ब्लॉक, साइबर सिटी क्या, हमें जाना कहाँ है, इनको यहाँ से पिक करना है? जलवायु विहार, जलवायु विहार से आइए, मैं ये सेक्टर 56 में हूँ जी, नवकीर्ति मार्केट के पास। ये हमने ले लिया एक कॉल और ये पास से पास में ही जाना है, आप मेरे साथ चलो, डर लग रहा है। चलो कैब आ चुकी है, अब हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। चलो जी हमें जाना है ना। मैम आपकी कैब आ गई है, आप आए नहीं, नीचे ही खड़े हैं। मैम जो लोकेशन आपने दिया मैं वहीं पे हूँ। BMW मैम, BMW X7 है गाड़ी। हाँ जी, आपकी ट्रिप अपग्रेड हुई है। ओके चलो, मैं आप मुझे एक मिनट दो, मैं लोकेट करती हूँ आपकी लोकेशन। कस्टमर से मैंने बात की डायरेक्ट और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, कह रही है कि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे लड़की से बात करके, कि ऊबर लड़कियाँ चला रही हैं क्या। वाओ लवली एक्सपीरियंस, बिल्कुल डरी नहीं है यार वो, बिल्कुल घबराहट नाम की चीज़ नहीं है। और मेरे को उनका ब्लॉक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, सी ब्लॉक। तो अब ये एक चीज़ पता चली मुझे कि ऊबर से एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं आती, थोड़ा सा उनको बेचारों को स्ट्रगल करना पड़ता है। हाय, या आई एम कमिंग, जस्ट अ सेक, माय नेम इज़ रजनी चौधरी और आपका ट्रिप हमने अपग्रेड किया है आज। आज ऊबर के साइड से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, आपको साइबर हब जाना है ना? नहीं नहीं, एम्बियंस, एम्बियंस जाना है। हाँ. चलिए आइए, ओके थैंक यू बाय, चलिए आइए। अरे मत डरिए, कुछ नहीं है आपका, वी आर नॉट किडनैपर्स। आइए बैठिए, पीछे बैठेंगे आगे, जहाँ हो जाएगी वहीं बैठ जाएंगे। आइए मेरे साथ ही बैठ जाइए। सो हाउ कम आई एम द लकी विनर, बस हमने ऐसे ही रैंडम चूज कर लिया आपको। रिएक्शन भी अच्छा लगा, डर रहे थे आप इतना। हाँ, मैं तो पसीने हो गई, मतलब मैं तो आई एम फ्रॉम, नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम आगरा। ओके अच्छा, फिर बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। हाँ, मतलब ये क्या है भाई, हम तो सोच रहे थे छोटी सी ऑल्टो आएगी तो चले जाएंगे कहीं। मैं तो यहाँ पर, मतलब आई कम हियर फॉर माय डॉटर्स, मतलब शी इज जस्ट जॉइंड अ कंपनी हियर इन गुड़गांव। ओके, योर डॉटर इज वर्किंग, यू आर लुकिंग लाइक अ गर्ल। कैसा लगा मैम आपको गाड़ी विद दिस ड्राइवर? मतलब व्हेन आई हर्ड, आई ऑलवेज आई टोल्ड यू दैट आई एम रियली अमेज्ड कि मतलब कोई लड़की ऊबर से बोले ना, कोई अच्छा सा आदमी आएगा छह चक्कर लगाकर थका हुआ सा, और लाइक अमेज्ड कि ये क्या हो रहा है। मेरी नीस है ना यहाँ पर, वो बेचारी घबरा रही है कि मामी किसके साथ जा रही है। नहीं नहीं, मेरी हो गई उनसे बात, मैंने उनको नंबर इसीलिए बताया, मैंने कहा यू कैन सर्च द नंबर, वो मेरे ही नाम पे गाड़ी है, मेरी ही गाड़ी है, कहीं नहीं लेके भागूंगी मैं। So this is your car, right? This is my car, yeah. So Meha, I'm a little bit scared. नहीं नहीं, एम्बियंस तक तो आपको कोई किडनैप भी नहीं कर पाएगा। So this is my beautiful driver, Meha.
थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, मैं डरी हुई थी आपसे ज्यादा, मैं डरी हुई थी। मैंने कहा यार मैं उनको कैसे कन्विंस करूंगी, मैं क्या बोलूं। तभी तो मुझे कह रहा था कार से बाहर, मैंने कहा नहीं उन्हीं को तुम ही बिठा दोगे, वो नहीं बैठेंगे ऐसे। बंदे तो नहीं डरने वाले, बंदे तो ये वो बकरा चैनल भी आजकल उस तरीके का कैच लगा मेरे को, जब वो ही वाज शूटिंग आई वाज लाइक ही मस्ट बी डूइंग समथिंग लाइक मैम आप भी बकरा बनाया है, एंड आई वाज मेरे को लोग भी हंसेंगे। चौधरी ये हो ना? हाँ ये मैं हूँ। मेरा शॉकिंग कंडीशन थी कि मतलब मेरे को इतना स्वेट हो रहा था कि मिल गया था अटैक मुझे मुझे और आप जबरदस्ती गुजार दोगे मुझे गाड़ी में तो मैं क्या खींच के चलो अब तो जाना पड़ेगा। इट वाज लाइक दैट आई वाज सो स्केयर्ड एंड स्वेटिंग बैडली। नीस को फोन किया ना वो बेचारी घबरा गई, मामी लाइव लोकेशन भेजो। अच्छा वर्षा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ वाज इट? अभी तो वैसे खत्म नहीं हुआ है। Experience, it still is a very beautiful experience going on. This is shocking and literally, what can I say? But it was amazing meeting you, Rajni. Thank you so much. Good to be connected. Yeah, हम तो friends बन गए। अच्छा मुझे लगा मजाक कर रहे हो when you said on the call ना। हम्म। आपकी cab आ गई है। कभी आज तक कोई अपग्रेड अपग्रेड करके ऑल्टो से आप स्विफ्ट डिजायर में आ जाओगे मैक्सिमम उससे ज्यादा होगा कि आप करोला पे आ जाओगे उससे ज्यादा क्या होने वाला है। आई वांट टू सी कि उसका क्या रिएक्शन था जो मेरा था, आई वांट टू कंपेयर कि उसका क्या हाल होगा। अगर बंदा होगा तो कॉन्फिडेंटली बैठ जाएगा क्योंकि कहेगा भाई बड़ी सुंदर लड़की है, बैठ जाओ कहीं ले जाओ भाई। हाँ मैडम आप ले चलो बस, आप बस अपने साथ बड़े घर में छोड़ो। बोलेगा भैया मम्मी जा रही, मम्मी मैं बाद में कल आऊंगा। उतरे ही ना और कि भैया जाओ कि नहीं नहीं मैम अभी आप ले ही चलो। बनाते रहो मुझे बकरा बनाओ और बनाओ। 2:30 हाँ नहीं तो यस नमस्ते हमारे पहले पैसे। थैंक यू सो मच रजनी, यू आर वेलकम। ओके बाय बाय, नाइस मीटिंग यू, बाय। चलिए जी ये था हमारा फर्स्ट कस्टमर आज का। अब चलते हैं दूसरे कस्टमर के पास, हमें दूसरे कस्टमर मिल चुके हैं, अब हम उनको पिक करने जाएंगे। 8 मिनट का डिस्टेंस है, गेट नंबर 2 है ना ये जो एग्जिट पे है, 217 में आपको आना है, 2 नंबर गाड़ी का है। अभी जो राइड हमारा आया था पहले वो उद्योग विहार का था लेकिन लकीली वो कैंसिल हो गई और हमें को एम्बियंस से ही मिल गई है, तो अब मैं एम्बियंस से उनको लेके जाऊँगी। कहाँ जाना है मैम? आप एग्जिट पे आ गए हो, एग्जिट पे ये ऑटो वाले खड़े हैं ना सारे। हाँ गेट नंबर 2 के एग्जिट पे आइए, एग्जिट पे। चलो जी आ चुके हैं हम रेजिडेंसी का, रेजिडेंसी के पास कह रहे हैं ना, मूनलाइट रेजिडेंसी लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में मेरे, वहां पर गाड़ी खड़ी है। अच्छा आप है सौरव, डरिए नहीं। आपकी उबर हमने अपग्रेड करी है, आप सारे दोस्त हैं? ओके वाह, डर वर तो नहीं लग रहा ना? चाहे इतने सारे जने तो वैसे डरने की जरूरत नहीं है। कम चलिए, ये सौरव के साथ इनके 3 फ्रेंड्स और हैं और लोकेशन 56 है ना तुम्हारी। चलें, तुम आ क्यों नहीं रहते, तुम्हें बताया तो था, मैंने गाड़ी का नंबर भी बता रही हूँ, गाड़ी भी बता रही हूँ कि आ जाओ सौरव यहीं पे खड़े हैं भाई। अब इसका रीजन क्या होगा ये भी थोड़ी देर में पता करना चाहेंगे। आज ये प्रैंक है ये कस्टमर का, तुम लोग तो सरप्राइज ही नहीं हुए यार, होना चाहिए था थोड़ा सा कुछ तो। मन में रह गया सही में एकदम से ऐसे कॉन्फिडेंटली आए जैसे दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, आ जाओ चलो बैठो, बैठ गए सारे। कैंसिल कर रहे थे वो कैब वाले, वही हमें बताने आए कि यार वो कैंसिल कर रहे हैं, डर के हमारे कैंसिल करो यार कुछ और ही पंगा चल रहा है यहाँ पे। मेरा दिमाग में चल तो किडनैप भी करे तो कोई नहीं, BMW में किडनैप भी नहीं हो चलो।
हाँ सीरियसली ओमनी में नहीं हो रहे, खोला दरवाजा डाल दिया सबको। आज हम प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ही प्रैंक हो रहे हैं वैसे सबसे ज्यादा, उन लोगों से ज्यादा हम डरे हुए हैं। और तुम्हारा तो मुझे सबसे अजीब सा लगा कि एकदम तुम इतने कॉन्फिडेंटली बैठे हो आके कि हाँ ये गाड़ी बैठो चलो भाई बैठो। कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हें पिक करने आई हूँ। ये बदतमीज इंसान जो मेरे पीछे बैठा हुआ है इसलिए घबरा था, लेडी ड्राइवर है, टोक ना दे। गाड़ी का मुझे नहीं लगा क्योंकि एक दो बार ऐसा हो जाता है कभी कभी कि नहीं होती है ना वो गाड़ी, आप निकल गए तो मुझे लगा कि प्रैंक हो रहा है, ये पक्का प्रैंक है। ये ड्राइवर तो नहीं लग रही है। नहीं बट ये गुड़गांव है यार, वो जाता होगा। वैगनार की जगह अगर शिफ्ट वगैरह आ जाती थोड़ी सी खुशी होती है। गुड़गांव मुझे लगा भाई इन लोग का अलग चलता होगा। बस मैंने पहली बार कॉल किया तो भैया उठाए, दूसरी बार कॉल किया फिर मैं उठाया तो आपका आवाज आया। मैं को लगा ये क्या हो रहा है भाई, नंबर वही है, आवाज बदल गया। और ये क्या बोल रही है, चलो आप कैंसिल कर दो, आप नहीं जाएंगे, अब भी कैंसिल कर। आई वाज फॉलोइंग यू, क्यों कैंसिल करना चाहते हो? लास्ट नाइट आप जो बोल रहे थे ना, तो जस्ट मैं दिमाग में वही चल रहा था। तो लास्ट नाइट वो स्टेशन था दिल्ली, कुछ भी था तो वो जगह ही था ना, इस दुनिया से बाहर नहीं था ना। तो यहाँ पे आप आउटर पे थोड़ा सा भी होंगे ना, बिना रीजन आप कॉल ले जाएंगे। हमें जाके अपना आईडी चेंज करना पड़ेगा लड़के के नाम से। मेरे नाम से कर लेना। नहीं तुम्हारे नाम से नहीं करना है, वो पता चल जाएगा बिकाऊ है बीएमडब्ल्यू देख के। भैया ने लिटरली हम सबको पीछे छोड़ दिया था ये मेरे को ना समझ आ गया इसका भी, अभी तो बस वो बिल्कुल मेरे साथ चल पड़ा ना, आप हो ना सौरभ, सौरभ आओ, सौरभ एकदम साथ चलना शुरू। चलिए बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अच्छा रहा, मजा आया? वो ये कह रहे थे पीछे से बहुत देर से कि ये ट्रिप लंबा होना चाहिए था, है ना? कहाँ तक जाना था? आनंद विहार, कम से कम आनंद विहार जाना चाहिए। आगरा की प्लानिंग कर चुका था। चलिए नाइस मीटिंग यू गाइस, बहुत मजा आया। और तुम लोगों ने मुझे ऐसा फील दिया है कि बिल्कुल बचपन के बिछड़े हुए दोस्त नहीं होते कि मैं आई हूँ तुम्हें लेने के, चलो सौरभ को तो मैंने बीच में से पकड़ा, तुम हो सौरभ, हाँ चलो आ जाओ, वो साथ साथ चल पड़ा तुम सबके बीच में से निकल के। वो एक्चुअली हम लोग को छोड़ करके चले गए, तो वो उनको बस ये दिख रहा था ये, चलो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्त ये था हमारा आज का अल्टीमेट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। ऊबर और ओला दोनों हमने चलाए आज, एक हमने ऊबर की राइड ली, एक हमने ओला की राइड ली, दोनों में फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे डिसेंट से लोग आते हैं और बहुत मज़ा आया मुझे, अमेजिंग। और भैया ने मेरी बहुत हेल्प की है, एंड आपका नाम सुनील, सुनील भैया ने बहुत हेल्प की है, 5 स्टार रेटेड है भैया, और ऊबर और ओला की तरफ से मैक्सिमम राइड्स इनके पास आती हैं, मतलब शायद ही कोई सेकंड होगा जब आपका फ़ोन बंद हुआ हो, लगातार बैक टू बैक कॉल्स। अच्छा जब राइड पर तो तब भी कॉल आती रहती हैं, आती रहती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि पहुँचे नहीं हैं, ऐसे नहीं पता होता? ओके चलिए भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए दोस्त फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और अगर ऐसा कुछ और आपके माइंड में है जो प्रैंक आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो बताइएगा मुझे, उसे भी ज़रूर ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।